पता है हम लोग यहाँ पे क्यों रुके? क्योंकि ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट है भाई। तो बहुत दिन के बाद हम लोग आए बाइक राइडिंग करने के लिए, और आपको पता है कि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है अगर हम लोग जा रहे हैं इस साइड में तो। और बता दूं मैं, बहुत टाइम के बाद मैं और प्रीतम भाई हम लोग साथ में राइडिंग करने वाले हैं। पहले हम लोग चाय पी लेते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। रघुपति टी हाउस स्टॉल, चाय पीने जरूर आइए। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज जय एंड यू आर वाचिंग जय आर सिक्स मोटो व्लॉग। दोस्तों ये है अपना हाईवे 48 और ये मेरा दोस्त प्रीतम भाई और हमारी बाइक एवेंजर और आरटी R310। वैसे बता दूं कि आज का प्लान है सिंपल सा होटल औरा जाने का। बस प्लान तो था 15 तारीख को जाने का, लेकिन मैं क्या बताऊँ की मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है, तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ क्योंकि क्या पता टाइम मिले जाना। मतलब अगर 15 को टाइम मिलेगा तो ऑब्वियसली 15 को जाएंगे, वरना तो कोई बात नहीं। बाकी प्रीतम को देख सकते हो, प्रीतम सुबह सुबह चाय पी रहे हैं और यहाँ से हम कर रहे हैं। और मेरी चाय अलग नहीं हो सकता भाई, वैसे मेरी चाय वहाँ पे। मैं पहले सोचा पहले ब्लॉग बना लेता हूँ, उसके बाद में स्टार्ट करता हूँ। तो देखते हैं यार कितने लोग आते हैं। बाकी ये कुछ ऐसा सा सुबह का नजारा है और अभी तो बारिश बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर बारिश हुई तो ये और ये सब भीग जाएगा मेरा, क्योंकि मेरा कुछ भी वाटरप्रूफ नहीं है अभी। मतलब ये तो बच जाएगा लेकिन इसका पता नहीं, तो देखते हैं आगे। तो निकलते अभी यहाँ से, बहुत अच्छा लगता है वैसे, मतलब इतने दिन के बाद बाइक राइडिंग करने में। और ये बाकी आपको पता ही है प्रीतम भाई की बाइक राइडिंग कैसी होती है, आगे मुझे बताने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है कि कैसी होती है बाइक राइडिंग। स्कूटी का वाट है काफ़ी, देखो मैं 93 के स्पीड में कुछ जा रहा हूँ, और अभी उंगली करना चालू हो जाएगा अगर कोई आसपास में आ जाएगा तो। ओ भाई 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 भाई, वैसे मेरी गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ चुका है कि गाड़ी का जो पीछे का ब्रेक है, मेरी बाइक का जो पीछे का ब्रेक है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। मैं एक ही चीज़ प्रे करूँगा कि बारिश ना हो। और यहाँ पे देखो रोड की हालत यार, वैसे हम लोग ने बहुत जल्दी मतलब कवर कर लिया स्पीड, ऐसा मुझे लगता है। एक बार चेक कर लेते हैं, 25 किलोमीटर हो गया यार इतनी जल्दी, मतलब आधे घंटे में, मतलब आधा घंटा भी नहीं हुआ, 23 मिनट में 26 किलोमीटर, तो मतलब सही है। माइलेज देखो यार, 27 का माइलेज दिखा रहा है, लेकिन इस गाड़ी की मैं एक सच्चाई आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसमें फुल पेट्रोल डालोगे ना तो 257 किलोमीटर का टोटल मतलब बताता है रेंज, और अगर फुल टंकी फुल कराओगे ना इसका तो ये गाड़ी 260 तक जाती है। मतलब आप समझ सकते हो कि क्या मैं कहना चाहता हूँ। इसका जो माइलेज एक्चुअल में मिलता है ना वो कुछ 23-24 अराउंड ही मिलता है, आपको ज़्यादा माइलेज नहीं मिलता है। और उसमें भी अगर आप भगाओगे ना तो भी आपको 250 अराउंड कुछ आपको रेंज मिलेगा गाड़ी का। तो ये जो बताता है ना इसके ऊपर मत जाना कभी भी। हाँ अगर आप स्लो में चलाओगे तो 270 तक भी चला जाएगा, लाइक अगर आप अर्बन में चलाओगे तो। बाकी जो स्पोर्ट में तो आपको 260-250 ही मिलने वाला है। आप अगर बहुत ज़्यादा हाईवे करोगे तो एवरेज अच्छी रहेगी और फिर भी उतना ही जाएगा आपको, मतलब फिर भी आपको 260-270 ही जाने वाला है, उससे ज़्यादा आपको इस गाड़ी में माइलेज नहीं मिलने वाला है। देखिए तैयारी फुल है, बाकी हम तो हम हैं, कोई अच्छा ना है हम तो ज़रूर आएंगे। ये पहुंच गए हम लोग होटल आहुरा, और ये देख सकते हो हमारे भारत का नक्शा बना हुआ है जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। कुछ बोल रहा था, हुई है मेरे साथ। किस बात की? क्रूज़ कंट्रोल ऑन करके कौन खड़ा होता है? मैं कह रहा था अकेले देना पड़ता है बाबा। तो ऐसा है, मेरे पास ट्यूनिंग करने का ऑप्शन है इसके बारे में, मैंने मेरी RC में किया हुआ था। चर्चा करते हैं। तो पहुंच चुके हम लोग होटल आहुरा और अभी तक कोई आया नहीं है, और कोई आया चाहना है हम तो ज़रूर आएंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया, तो एक छोटा सा बाइक राइडिंग तो बनता है। तो दोस्तों ये आ गया हमारा सुबह सुबह का नाश्ता, और प्रीतम भाई और मैं, वैसे क्या बोलना चाहोगे आज के लिए? कोई आया नहीं यार, चीटिंग चलती है यार, 15 अगस्त को सबको आना चाहिए, समझ रहे हो? मतलब कि सबके सब आने वाले हैं 15 अगस्त को, तो अगर अभी आने वाले तो मिलना जरूर हम लोग को JR6 और प्रीतम भाई को। तो वैसे यार नाश्ता करते हैं, कॉफी मंगा लिया, कॉफी की चाय? चाय। ओके, तो चाय मंगा लिया, भजिया मंगा लिया, और ये इसको बोलते हैं बन मस्का पाव जो कि ऑलरेडी खा चुका है, मेरा खाने का बाकी है। टेस्ट करना पड़ेगा ना यार कैसा है।
टेस्ट करना हमेशा बनता है। तो अभी वैसे हम लोग इस टाइम हम लोग एक्चुअली बहुत जल्दी आ गए क्योंकि आप देख सकते हो कुछ 7 बज रहा है और ये आपको हाई कर रहा है, हाई कर रहा है 8 बजने को आया बाबा। 10 मिनट बाकी है पूरा, मतलब 9 मिनट बाकी है पूरा, बहुत जल्दी आ गए हम लोग सच में बहुत जल्दी। तो दोस्तों हम लोग का नाश्ता वास्ता हो गया है और अभी हम लोग निकलते हैं, ज्यादा टाइम नहीं रुकेंगे। बाकी ये आप देख सकते हो लाइनअप है कुछ आज की ऐसी। ये गाड़ी कौन सी नहीं पता, इतना पता है कि आरी का है इंजन देख के। बाकी एक चीज इसमें और है पता है, इसके मिरर्स बहुत अच्छे है ना, प्रीमियम प्रीमियम मिरर्स। मतलब कि ये सिर्फ जो राइडर है सिर्फ उसको ही पता चलेगा कि किस टाइप का ये मिरर है, मतलब बहुत ही तगड़ा एक नेक्स्ट लेवल है। तो ये है कुछ लाइनअप और ये हमारा भाई। बाकी अपने आरटीआर भी अच्छी लगती है, बस उसमें क्रैश गार्ड लग जाए तो थोड़ी सी गाड़ी मोटी लगेगी और वो मैं बहुत ही जल्द कराने वाला हूँ। तो निकलते हैं अभी यहाँ से दोस्तों फटाफट से। डीपी किलर हटा है भाई ने बोला, डीपी किलर निकालने का मतलब कि निकालने का। तो ये उसका डीपी किलर और एलिंग की, इसको मैंने रख दिया है, बोल्ट इसके अंदर बोल्ट है। ये सीट फिट कर दिया, ग्लव्स पहनते और निकलते हैं अभी। फोटो फोटो सब हो ही गया। तो अब देखते हैं यार आवाज़ कैसा आता है, अच्छा या ख़राब। तो आपको भी देखना है कि मेरी गाड़ी आवाज़ मतलब चालू होने के बाद में कैसी आवाज़ आती है विदाउट डीपी किलर, वो भी स्टॉक है वो। वैसे भी वैसे एक चीज़ मैं बोल दूँ कि अगर स्टॉक डीपी किलर आप निकालोगे ना तो आपकी एवरेज के ऊपर इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, मतलब 1 से 2 3 कुछ पड़ेगा लेकिन ज़्यादा नहीं पड़ेगा। चल तो ये आप देख सकते हो कुछ इतनी ख़राब आवाज़ है यार, माय गॉड। क्या आवाज़ है यार, ऐसा लग रहा है कि गाड़ी का वेट बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब बहुत लाइट वेट लग रही है डीपी किलर निकालने के बाद में। और आवाज़ देखो आप, तो एक बार ट्रैक मोड पे गाड़ी को डालते हैं वैसे ताकि गाड़ी की आवाज़ पूरी खुल सके। ओके अब देखो आवाज़, तगड़ा आवाज है यार, बहुत तगड़ा आवाज है सच में, मतलब हद से ज्यादा। तो चलो यार वापस से डीपी किलर लगा देते हैं। बाकी एक बार पहले आपको मैं आवाज सुना देता हूँ कि कैसा आता है आवाज। चेक करो आप आवाज, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आवाज है यार, बहुत ज्यादा आवाज है। चलो अभी लगा देते हैं डीपी किलर है वापस से, नहीं तो फालतू का चालान कट जाएगा। वो मैं मोटा गरम होना चाहिए, हाँ वो मुझे पता है, गरम जब गरम होगा तो ही अच्छे से आवाज करता है। देखिए ये जो है ना ये वाला एटलीस्ट 100 पार रहेगा तब जाके थोड़ा मोटा आवाज़ करेगा, वरना फिर ऐसा ही आवाज़ करता है। पहले उधर जाके अपने करना ना थोड़ा सा रेव, गर्म होता है उसके बाद चलना चाहिए। चलता है यार जो भी है, कुछ ऐसी सी हालत है डीपी किलर निकालने के बाद में। बाकी मैं इसमें भी मोटा वाला एक और लगाने वाला हूँ। तो ये हमारा फिर से टाइट हो चुका है और इसको वापस से अंदर डाल लेते हैं। बाकी आपको कैसा लगा आवाज़ कमेंट करके बताना ज़रूर यार। तो अभी आपको एक बार आवाज़ सुना देता हूँ कैसा आता है। तो चलो अभी निकलते हैं दोस्तों यहाँ से। एक तो 25 आ रही है। होता है मतलब ऐसा होता है। यार टोटल लिया यार इसने चार का ना, चार चौथी गियर पे 115 गियर पे थी, 115 चौथी गियर पे के बाद ना ये 70 के बाद चौथी गियर में डाला है, जैसा भगा ना टाटा एक्सेल से आ रहा है। मैंने मेरी एवेंजर को 135 135 तक भगाया सच में।
चल चल, बहुत मज़ा आया आज की राइड पे। 15 अगस्त का देखते हैं, अगर प्लान हुआ तो, मतलब छुट्टी मिली तो कंफर्म आएंगे, वरना तो कोई बात नहीं। आप जा रहे हो वही मैं जाऊंगा, नहीं आ रहे हो तो मज़ा नहीं है। भाई शार ऑन टॉप। तो टोटल 94 किलोमीटर चली है गाड़ी ने, एवरेज निकाल के दिया 28 का, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी निकला, यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि एवरेज माइलेज, मतलब कि एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इतना दिया होगा। बाकी मैंने गाड़ी ज़्यादा नहीं भगाया, बस 146 तक भगाया मैंने। भगा नहीं, मेरी 125 गई भाई। तो जो भी है, मतलब दिल को तसल्ली मिली मालिक। तो यार मिलते हैं अभी नेक्स्ट टाइम, यहाँ से हमारी मंजिल, मतलब हमारे रास्ते थोड़े से अलग होंगे, अलग 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 है, मतलब कि मेरा ऐसे है और इसका ऐसे है, अब समझ जाओ अभी। फिर चल, बाय बाय। चलो भाई, टेक केयर। फोन करता हूँ मैं 15 तारीख को, मतलब 14 तारीख को। यो ओके, डन डन डन। यो, बाकी आपको अच्छा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में दोस्तों। और एग्जॉस्ट चल भाई।